मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम, 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए, इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में दो दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए, इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू, अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में, एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया, लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही, लेकिन इन्होंने जो पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया
कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा।